श्री अकाल जी, मैं जी तुहाडा अपना रॉबिन चीमा ते स्वागत करदा जी तुहाडा अपने इस चैनल पंजाब मंथन विच। की तुहानू पता है कि पंजाब दा ओ केड़ा पिंड है जे इस पिंड दा एक नामी कारीगर गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह महाराज नू खंडे बना के दिया करदा सी। की तुहानू पता है कि पंजाब दा ओ केड़ा पिंड है जिहदा नाम हासे हासे विच ही शेरगढ़ तो गिदड़ा वाली प्रसिद्ध हो गया सी। सो इसे तरह दी नवी नवी जानकारियां दी इस वीडियो नू अखीर तक जरूर वेखियो। ते जेकर तुसी अजे तक भी साडे इस चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके हुणे ही सबसक्राइब करके नाल टन घंटी वाला बटन जरूर दबा लो। सो बिना किसी देरी तो शुरू करदे आं जी अज दी वीडियो। इस वीडियो विच असीं पंजाब दे तीन पिंड माझे मालवे ते दुआबे दे इलाकियां चों एक एक पिंड लवांगे ते ओह पिंड दा नाम रखण पिछे की रोचक ते दिलचस्प कहानी है उस तों तुहानू जाणू करवावांगे जी। सो अज दा साडा पहला पिंड है जी माझे दे इलाके दा पिंड माड़ी मेघा। इह जी तहसील पट्टी जिला तरन तारण दे विच पैंदा है ते पट्टी वाला जिहड़ा रेलवे स्टेशन है उत्थों तकरीबन 28-29 किलोमीटर की जिहड़ी दूरी आ उत्थे स्थित है जी। सो पहला इस पिंड दा नाम हुंदा सीगा भल्लियां दा नंगल। ते उस तों बाद जिहड़े पहले बंदे इत्थे आण के वसे सन ओह सन सत भरा ते उहनां सत्तां भरावां दे विचों इक भरा दा नाम सीगा मेघा। सो बाकी जिहड़े 6 भरा सन ओह थोड़े माड़े सन ते जिहड़ा मेघा सीगा ओह पैसे पक्खों थोड़ा जिहा उहनां नालों ज़्यादा तगड़ा सी। इस करके इलाके दे विच उहदा नाम शोहरत ते दबदबा थोड़ा ज़्यादा सी क्योंकि तुहानूं पता इह सब चीज़ां पैसे नाल ही चलदियां ने। सो उसने इस बस्ती विच आण के अपना एक महल बनाया जाने कि अपनी एक माड़ी बनाई। सो उस तों बाद लोकां ने कहना शुरू कर दिता कि यह मेघे की माड़ी है जाने कि यह मेघे का महल है। सो उस ही गल तो इस बस्ती का नाम जिहड़ा सीगा वह माड़ी मेघा पै गया जो कि हौली हौली जो पिंड की आबादी वधदी गई इस बस्ती की आबादी वधदी गई तो यह पिंड का एक रूप धारण कर गया। सो उतों ही इस इलाके का नाम माड़ी मेघा पै गया। इस तो इलावा इस पिंड के एक बहुत ही मशहूर कारीगर जिन्हों का नाम सीगा बाबा सूखो बाछी वह लोहे के एक बहुत ही अच्छे कारीगर सन ते वह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को खंडे बना के दिया करते सन। तो उन्हां दी याद विच पिंड वालियां ने एक गुरद्वारा इस पिंड विच बनाया होया जी। ते मैं चलिया जी अपने अगले पिंड ते अज दा साडा दूजा पिंड है जी मालवे दे इलाके दा पिंड गिदड़ां वाली। इह दरअसल जी अबोहर वाली तहसील च पैंदा है ते अबोहर गंगानगर वाली जिहड़ी सड़क आ उत्थे स्थित है जी। इह पिंड बनिया सीगा जोईए गोद दे मुसलमानां ने ते उस समय नबी बख्श सीगा जिहड़ा उह इहनां दा आगू सीगा ते उहने इस पिंड का नाम रखिया सीगा शेरगढ़। पिंड के आले दुआले कुछ झाड़ियां सन ते आख्या जांदा कि उन्हां झाड़ियां दे विच गिद्दड़ रहा करदे सन ते उसे झाड़ियां तो थोड़ी परां मरासियां दे कुछ घर सन ते एक वारी एक गिद्दड़ उस झाड़ियां चों निकल के मरासियां दे घरों उन्हां दी मधाणी चुक के लै गया। सवेरे जदों मरासियां नूं इस गल का पता लगा तां उन्हां की कीता भी एक मरासी ने गुस्से च आण के इस गल नूं जिहड़ा भी उन्हूं मिलदा उन्हूं आखे भी इह एवें शेरगढ़ दा इलाका वजदा इह तां असल विच गिद्दड़ां दी ढाणी है मेरी मधाणी चुक के लै गए। जिहड़ा भी मिलदा उसनूं इही गल आखदा ते उस मरासी ने इस गल नूं इन्ना कु ज़्यादा प्रचारिया इन्ना कु ज़्यादा प्रचारिया कि सच्ची होई लोकां ने हासे हासे विच इस पिंड दा जिहड़ा नाम सीगा उह शेरगढ़ तों बदल के गिद्दड़ां वाली पा दिता ते अज तक इस पिंड दा नाम गिद्दड़ां वाली ही चल रहा है। 47 दी वंड तों बाद जिहड़े मुसलमान लोग सीगे उह परले पासे पाकिस्तान चले गए ते उस पास्यों मिंट गुमरी दे इलाकियां चों जिहड़े कंबोज हिंदू वीर सीगे उह इधर आ के वस गए। इस तों इलावा सिख जिहड़े लाहौर ज़िले चों आ के उह भी इत्थे वस गए जो कि अज तक इत्थे घुग वसदे ने जी। ते तुसीं कमेंट करके जरूर दस्सिओ कि इह हासे जे वाली जिहड़ी घटना है तुहाडा इस बारे की विचार आ। ते मैं चलिया जी अपने अगले पिंड ते अज दा साडा अगला पिंड है जी दुआबे दे इलाके दा पिंड खानखाना। इह नवांशहर ज़िले च पैंदा है ते जिहड़ी बंगे तों गुराया नूं रोड जांदी है उत्थे स्थित है जी। दरअसल इस इलाके दे विच एक वार किसी हुक्मरान का घोड़ा खुल गया जिहड़ा कि किसी कोलों भी काबू नहीं सी आ रहा। तो उस समय एक लड़की जदों खूह के उपर पानी भर रही सी तो उसने घोड़े नूं काबू कर लिया ते जिहड़े मगर भज्जे सिपाही आ रहे सन जदों उन्होंने ये सारी गल जाके घोड़े दे मालक नूं दसी तो वह इस गल तो बहुत ज़्यादा कह लो भी उस कुड़ी तो इंप्रैस हो गया ते उन्हें
कुड़ी दे बाप दे कोल जाके उस कुड़ी दे नाल व्याह कराउण दी जिहड़ी अपनी ख्वाहिश सीगी उह जाहर कीती। पर कुड़ी दा जिहड़ा बाप सीगा आखदे ने उह बड़ा अनखी सीगा, उह व्याह करना नहीं सी चाहुंदा। पर हुकमराना तों डरदियां उसने की कीता वी इक गद्दी लई ते गद्दी दे उपर अपना सारा समान लद के रातों रात उह इलाका छड्ड के किसे होर जगह ते बैठ गया। जिस जगह दे उपर उह बैठिया सीगा उस जगह दे उपर उसने अपना आ वाला पिंड वसाया ते इस पिंड दा पहला नाम सीगा गद्दी। ते एक बार दी गल जो शहनशाह अकबर दा जरनैल बैरम खां इस पिंड विचों दी गुजरिया ते उसनू इस जगह दे उपर रात रहना पै गया। ते जदों उसनू पता लगा कि यह गद्दी नाम दा पिंड ते उहने सोचा हैगा कि मैं जाके लोगों नू की दसूंगा कि मैं गद्दी पिंड रह के आया। सो इस करके उसने इस पिंड दा नाम गद्दी तों बदल के खान खानन कर दिता। दरअसल खान खानड़ नूं तुसीं इदां समझ सकते हो जिवें असीं कहिंदे आ मानां दा मान, सरदारां दा सरदार, उसे तरह ही जिहड़ा खानां दा खान हुंदा सीगा उहनूं खान खानण कहा जांदा सी। असल विच इक पदवी हुंदी सीगी जिहड़े मुगल बादशाह लोग अपने जरनैलां नूं दिया करदे सीगे। सो जिहड़ा खान खानण सीगा उह बैरम खान दे उस समें पुत्तर दा नाम सीगा जिहड़ा कि प्रसिद्ध नाम सीगा। वैसे उहदा नाम सीगा अब्दुल रहीम खान। सो इसे गल तों खान खानन इस पिंड दा नाम पै गया जो कि बाद विच विगड़दिया विगड़दिया खान खाना बन गया। सो कमेंट करके जरूर दस्यो कि अज दी इस वीडियो विचों किस पिंड दे जिहड़ी पिछे दी कहानी है तुहानू सब तों ज़्यादा दिलचस्प ते रोचक लगी है जी। मैनू इंतजार रहूगा तुहाडे कमेंट्स दा। ते जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि मैं तुहाडे पिंड दी कहानी अपने इस चैनल विच लैके आवां तां कमेंट बॉक्स विच अपने पिंड दा नाम लिख दिओ। ते जेकर तुहानू पता है कि तुहाड़े पिंड दे पिछे जिहड़ा नामकरण है उसके पिछे की कहानी है तां उह तुसीं मैनूं मेरे इंस्टाग्राम के उपर लिख के भेज सकते हो। मेरा तुहाडे नाल वादा है कि मैं जल्दी तो जल्दी तुहाडे पिंड की कहानी नूं तुहाडे अपने इस चैनल के उपर लैके आऊँगा जी। सो अज दिओ जी आग्या, मैं एक बार फिर तुहानूं जल्दी ही इस चैनल के उपर एक नवी वीडियो के नाल ते नवीं नवीं जानकारियां दे नाल फिर मिलूंगा जी। ते जेकर तुसीं अजे तक भी साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके हुणे ही सबसक्राइब करके नाल टन घंटी वाला बटन जरूर दबा दिओ जी। सत श्री अकाल।